वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे दाबेली सैंडविच। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे बना के शाम के नाश्ते में या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच जितना तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब थोड़ी सी हींग ऐड करें। अब गैस की आंच धीमी करके उसमें 200 ग्राम उबले हुए आलू को मैश करके डालें। अगर आप जैन है तो आलू के बदले कच्चा केला बॉईल करके ले सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से ऑयल में एक बार मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दाबेली का मसाला ऐड करेंगे। दाबेली का मसाला आप मार्केट का तैयार या फिर घर पे बनाया हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी का लिंक दिया है। दाबेली मसाला में सारे मसाले ऐड होते हैं तो ऊपर से कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसाला जब अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है। अब हम इस स्टफिंग को एक कटोरी में निकाल लेंगे। सैंडविच बनाने के लिए सारी सामग्री मैंने तैयार की है। मैंने ब्रेड ली है, टोमेटो केचप, हरी चटनी, बेसन की सेव, बटर, मसाला सिंग और जो स्टफिंग हमने बनाया है वो लिया है। मैंने किनारी कट की हुई ब्रेड इस्तेमाल की है और मैदे की ब्रेड ली है। आप चाहे तो गेहूं की भी ले सकते हैं। एक ब्रेड के ऊपर सबसे पहले हम बटर लगाएंगे। बटर रूम टेम्परेचर का लेना है। और दूसरी जो ब्रेड हमने ली है उसके ऊपर हम हरी चटनी लगाएंगे। ये चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पे बताई है और इसका भी लिंक मैंने दिया है। चटनी को थोड़ी गाढ़ी रखनी है इस तरह से। तो आपको तीखा जितना पसंद हो उस हिसाब से आप चटनी ब्रेड के ऊपर लगाएं। अब जिस ब्रेड के ऊपर हमने बटर लगाया है उसके ऊपर हम बनाया हुआ स्टफिंग लगाएंगे। तो अराउंड 2 चम्मच जितना स्टफिंग मैंने लिया है। पूरे ब्रेड के ऊपर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। अब जो मसाला सिंग ली है वो ऐड करेंगे। मैंने मसाला सिंग, टोमेटो केचप, हरी चटनी, बेसन की सेव सारी रेसिपी चैनल पे बताई है तो वहाँ से आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। बेसन की सेव डालेंगे, जो नायलॉन सेव आती है पतली वाली वो लेनी है। और थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे। अब जो दूसरी ब्रेड है वो इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से थोड़ा सा दबाएंगे। अब ब्रेड के ऊपर फिर से थोड़ा बटर लगा देना है। अब हम चीज दाबेली सैंडविच बनाएंगे। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने स्टफिंग लगा के तैयार किया है। उसके ऊपर मसाला सिंग, सेव और टोमेटो केचप डालेंगे। यहाँ तक का प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम इसके ऊपर प्रोसेस चीज कद्दूकस करके डालेंगे। चीज आपको जितना पसंद हो उतना ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 क्यूब जितना प्रोसेस चीज कद्दूकस करके लिया है। ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। अभी मैं इसे रोस्ट करने के लिए जो ग्रिलर आता है वो इस्तेमाल करूंगी। तो बटर लगाया हुआ हिस्सा नीचे जाए उस तरह से ब्रेड को रखें। अब ऊपर की साइड भी हम बटर लगा देंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सैंडविच टोस्टर में भी इसे टोस्ट कर सकते हो और चाहो तो गैस के ऊपर तवी में भी इसे रोस्ट कर सकते हो। इसे क्रिस्पी होने तक हमें ग्रिल करना है। खोल के चेक कर लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं सैंडविच एकदम क्रिस्पी हो गई है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे 6 सैंडविच बनकर तैयार होती है। इसे कट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। आप चाहो तो इस सैंडविच को ऐसे ही चटनी और टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। और जो चीज दाबेली सैंडविच है उसके ऊपर आप थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज और हरा धनिया और मसाला सिंग डाल के भी सर्व कर सकते हो। तो ये दाबेली सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।